गुड मॉर्निंग आजी। आज मैं काफी दिनों बाद सुबह जल्दी उठा हूँ और आप सोच रहे होगे कोई खास वजह होगी सुबह जल्दी उठने की, बट खास वजह है भी और नहीं भी। तो आज काफी सालों बाद मैं किसी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहा हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 7:30 और आज है फ्राइडे 24th ऑफ दिसंबर। तो आज जो 83 फिल्म है रणवीर सिंह की वो रिलीज हुई है। तो मेरे भाई ने ही प्लान बनाया, वो कहता है यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चलते हैं यार। तो मैंने भी कहा यार चलो चलते हैं देखने। तो अभी हमारा उसी का प्लान बना है तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो अभी उसको उसी ने सारी टिकट्स विकेट्स करी हैं, तो वहीं से काउंटर से जो है वो बुकिंग कर दी थी हमने, तो वहीं जाके टिकट्स उठा लेंगे। और उसके बाद जो है उसको भी आने में 15-20 मिनट लगेंगे। तो हमारा 9:15 बजे का शो है रजौरी गार्डन में। तो उसके बाद देखते हैं कि गाड़ी पे जाना है गाड़ी पे चले जाएंगे और स्कूटी पे जाना है स्कूटी पे चले जाएंगे। वैसे मेरा जो आज पर्सनली मन है वो स्कूटी पे जाने का है, क्योंकि कई लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं बहुत फॉगी है और बहुत ठंड है। तो यार जल्दी उठे हैं तो थोड़ा ठंड का भी मजा लेना चाहिए सुबह उठ के। तो मेरा तो पर्सनली जो दिल है वो स्कूटी पे जाने का है। तो देखते हैं जो भी डिसाइड होगा वैसे चले जाएंगे। अभी वो आ रहा है रास्ते में ही है, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फिर मैं पहले, जैसे वो आता है फिर निकलते हैं। तो फाइनली ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। काफ़ी दिनों से मैं यही ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ब्राउन ब्रेड और बटर और कॉफ़ी। तो अभी उसका भी फ़ोन आया, वो भी 10-15 मिनट में आने वाला, तब तक फटाफट निपटा देते हैं इसको। तो फाइनली अपन स्कूटी पर बैठ चुके हैं, भाई आ गया है और ऑलमोस्ट हम पहुँच भी चुके हैं। कोई कोहरा वोरा तो नहीं मिला हमें और ज़्यादा इतनी ठंड भी नहीं है। और अभी हम ढूंढ रहे हैं, सुबह बहुत है ना यार, हम पता नहीं इतनी सुबह क्यों है। पार्किंग है, पार्किंग पार्किंग का है भैया, आगे से लेफ्ट है। तो 9:15 का शो है आज। कितना टाइम हुआ भाई? पता नहीं यार, 8:30 तो हो ही गए होंगे, 8:30-9:30 तो हो ही गए होंगे, ज़्यादा हो गया होगा भाई। ये बंद क्यों लग रहा है मुझे, ये बंद क्यों है भाई? खुला है खुला है खुला है। कहाँ है पार्किंग? पार्किंग यही है, यही है पार्किंग, यहीं खड़ी कर दे। हाँ बोरी तेरी पार्किंग। अभी टाइम नहीं हुआ लेकिन हम जल्दी आ गए ना। जल्दी आ गए, कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया भाई? 8:45 हुआ है, बहुत जल्दी आ गए। चलो कोई बात नहीं, यहीं खड़ी कर लो। तो भाई अपन जो है 9:15 के शो के लिए, 9:15 के शो के लिए ये भाई मुझे 4:00 ही ले आया। तब तक टिकट ले लेते हैं जो हमने बुकिंग कराई है। टिकट वाला वो भी गेट ही साफ कर रहा है, किसी को चुलती जल्दी आएगी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इसको लगा के न्यूज वाले आएंगे, इसका इंटरव्यू लेंगे कि भाई आपको मूवी कैसी लगी। अरे हाँ ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। टिकट टिकट तो अपनी बुक है, टिकट तो बुक है भाई। हाँ टिकट बुक है, बस काउंटर से उठानी है। वो देखो भैया जी जो है वो कपड़ा मार रहे हैं टिकट काउंटर पे। इस भाई ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था तो हमें यहाँ पर मॉल के साथ ही एक चाय की टपरी तो हम यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई सिर्फ हम ही दोनों मूवी देखने आए हैं? पता नहीं यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जबकि ये हाउसफुल जाना चाहिए। इसके बाद के शो तो सारे हाउसफुल है। अभी तो टाइम है, अभी आएंगे, अभी लोग आएंगे बहुत सारे, अभी लोग आएंगे। अच्छा आज वीक डे है ना, फ्राइडे भी तो है। फ्राइडे है, सैटरडे संडे ज्यादा रश होता है। चलो कोई नहीं, तब तक चाय का मजा लेते हैं। मैंने तो पहले कॉफी पी ली, अब चाय पी ली भाई। मूवी के बाद मैंने तो प्लान कर रखा है रामा के छोले भटूरे खाऊंगा बस। हाँ वो खाएंगे, विराट कोहली वाले तिलक नगर रामा के, जहाँ से विराट कोहली खाता था। लगता है पूरे थिएटर में जो है हम दोनों ही होंगे भाई। आएंगे यार आएंगे, क्या पता सुबह सुबह कपल कुपल भी आ गए मैं तो वहीं साथ सीट लगवा लूंगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ट्वेल्व
20 minutes later. क्या? तो ये 3D ग्लासेस मिल चुके हैं और पिक्चर कब शुरू है? शुरू होगी, ऐड आ रही है, ऐड आ रही है अभी अक्षय कुमार की, और ये देख लो पिक्चर शुरू होने वाली है, फिर उसके बाद बताते हैं कैसी है पिक्चर। अभी तक तो पिक्चर बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और अभी इंटरवल हुआ है। भाई कैसी लग रही है पिक्चर? भाई मैं तो वैसे ही क्रिकेट लवर हूँ, मुझे तो इंटरमिशन तक तो अच्छी है, मुझे तो एक सीन अच्छा लगा भाई मूवी का। तो अभी तक तो बढ़िया लग रही है मूवी और इसको भी अच्छी लग रही है। तो सुबह का शो है ना, इसलिए लोग आए नहीं हुए ज़्यादा। रहे थे सड़क से लेके लॉबी तक, वो जो नजारा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नाच गाने ढोल, मानो इस तरह की खुशी थी कि हमने कभी पहले महसूस ही नहीं की थी। मैं तो यकीनन ये कह सकता हूँ। भाई कैसी लगी मूवी? अरे भाई मजा आ गया यार, मूवी देख के तो मजा आ गया भाई। कुछ कुछ सीन तो ऐसे हैं कि बस रू कहाँ हो जाती है भाई, आगे बताओ। आप मज़ा आ गया भाई देख के, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। हाँ मज़ा आ गया और मूवी बहुत ही बेहतरीन है और दिल्ली में तो टैक्स फ्री है। हाँ और अब हम आए हैं छोले भटूरे खाने, जो हमने बताया था ना रामा के विराट कोहली वो खाने, तो फिर ये खाते हैं फटाफट और फिर घर जाते हैं। A few moments later. मूवी देखकर और रामा के छोले भटूरे खाकर फाइनली मैं घर को आ गया हूँ। और अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी बहुत अच्छी है, कई सीन्स तो ऐसे हैं जिसमें आपको लिटरली गूज़बम्स आ जाएंगे, काफ़ी अच्छी है। और जो क्रिकेट लवर है उनके लिए तो ये मूवी दी बेस्ट है, तो जो क्रिकेट फैंस हैं वो इस मूवी को जाकर देखें, काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है सभी ने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा बुरा पार्ट कमेंट कर देना। प्लीज़ वीडियोस देखा करो और सपोर्ट करना, मोटिवेशन मिलती है एक रेगुलर व्लॉग्स डालने की। तो अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।